लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही सांप्रदायिक नफरत के बीच गंगा जमुना के उदाहरण अक्सर सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक नया उदाहरण असम के एक मस्जिद का सामने आया है, जो देश भर में मिसाल बन रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार असम की इस मस्जिद में बाकी धर्मों और उनकी किताबों को बराबर सम्मान दिया गया है। इस मस्जिद की लाइब्रेरी की तारीफ पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है। इस लाइब्रेरी में सांप्रदायिक सौहार्द की अद्भुत मिसाल देखने को मिली है। यह है असम के काचर जिले में स्थित जामा मस्जिद। असम के काचर जिले में स्थित जामा मस्जिद के दूसरे फ्लोर पर यह लाइब्रेरी स्थित है। इसमें करीब एक दर्जन अलमारियां हैं। इस लाइब्रेरी में हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्म से जुड़ी 300 किताबें हैं। ये सभी बांग्ला भाषा में हैं। मीडिया रिपोर्ट में मस्जिद के सचिव सबीर अहमद चौधरी के हवाले से कहा गया है कि उन्हें इस सुविधा पर हमें गर्व है और उनका मकसद मुस्लिमों को अन्य धर्म के बारे में शिक्षित करना है। यहाँ की लाइब्रेरी में कुरान, इस्लाम धर्म से जुड़ी किताबों के अलावा ईसाई दर्शन, वेद, उपनिषद, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की बायोग्राफी और रविंद्रनाथ टैगोर व सरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास भी मौजूद हैं। चौधरी ने कहा कि वे 1948 में इस मस्जिद के निर्माण के समय से ही लाइब्रेरी बनाना चाहते थे, लेकिन 2012 में जाकर सपना पूरा हुआ है। चौधरी आजादी के समय चिंतक मैन रॉय के विचारों से प्रभावित थे। चौधरी सुनाई स्थित MCD कॉलेज में अंग्रेजी के HOD हैं। चौधरी ने बताया कि इस लाइब्रेरी में हर उम्र और धर्म के लोग आते हैं। उनके अनुसार आसपास किसी मस्जिद में लाइब्रेरी नहीं है।